50 रुपया होने का मतलब समझ रहे हैं कि आप कितनी महंगाई है, आदमी खाने बिना खुद परेशान है। ऐसा अन्याय है ना, बहुत परेशानी है। गरीब आदमी का 50 रुपए में एक दो दिन का खाना हो जाएगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। एक तरफ जहाँ कोरोना संक्रमण की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही है, वहीं दूसरी और कई परेशानियां हैं जिससे लोग काफी परेशान रहते हैं। बात अगर महंगाई की करें तो वो भी काफी चरम पर है। अलग अलग चीजें काफी महंगी बिक रही है, उसी के अंतर्गत अब यात्रा तो महंगी हो ही गई है, साथ ही साथ रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट्स को भी महंगा कर दिया है। पटना जंक्शन पर प्लेटफॉर्म टिकट के दाम पहले ही बढ़ा दिए गए थे, लेकिन अब सोनपुर रेल मंडल के 8 जंक्शनों पर भी प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं। 10 रुपए से सीधे इसका दाम 50 रुपए कर दिया गया है, जिसके बाद यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है और खास करके जो लोग अपने परिजनों को छोड़ने आ रहे हैं स्टेशन पे, उनको ज्यादा मुसीबत हो रही है। हमारे सहयोगी अभिषेक ने उनसे बातचीत की है। ये तस्वीर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की है, आप सुनिए वहाँ के यात्री इस विषय पर क्या कुछ कह रहे हैं। 10 रुपए कर दिया गया है भीड़ को नियंत्रित करने, क्या किस रूप में देखते हैं इसको, क्या असर पड़ेगा? ऐसे क्यों होगा सर, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। गरीब आदमी कहाँ से 50 रुपया लाएगा तो वो इतना मेंटेनिंग कर पाएगा। हाँ, जैसे मीडियम क्लास आदमी, हम लोग पैसे वाले आदमी हैं, चाहे किसी आदमी गरीब आदमी है, चाहे हमारे ऐसे कोई गरीब आदमी हो तो कहाँ से होगा। 50 रुपया होने का मतलब समझ रहे हैं कि आप कितनी महंगाई है, आदमी खाने बिना खुद परेशान हैं। हैं, तो इस मुद्दे पर तो इतना महंगाई तो बहुत गलत है। एक प्लेटफॉर्म टिकट के 50 रुपया, 10 रुपया के बदला में 50 रुपया कहाँ से आदमी जैसे व्यवस्था करेगा? ऐसा अन्याय है ना, इस पे असर कुछ नहीं। इसमें जो है आम जनता को फायदा के लिए किया गया है, ताकि इससे जो है इस पे बेफालतू का घूमने कोई नहीं आए, जिसको ज़्यादा ज़रूरी हो वही प्लेटफॉर्म पे आए। सर, ये तो बहुत ज़रूरी थी कि भीड़ ज़्यादा बढ़ती थी, इसलिए किराया बढ़ाया गया कि इससे भीड़ कम हो कोरोना काल में। ये तो बहुत अच्छा काम किया गया है रेल प्रबंधक के द्वारा। सर, गरीब हैं, लेकिन कारण है कि अभी एक आदमी को चढ़ना है, उनके साथ 5 आदमी आते थे। इसको अभी कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया गया है। कोरोना काल ख़त्म के बाद उम्मीद है कि हम लोग को कि जो कि फिर 10 रुपया हो जाएगा जी। ये तो अच्छा सर है। सर, परेशानी है, बहुत परेशानी है। गरीब आदमी का 50 रुपये में एक दो दिन का खाना हो जाएगा, 2 किलो आटा आ जाएगा। और हम आते हैं कोई आदमी का, भाई का या फैमिली का गाड़ी पकड़ाने, तो हमारे जेब से 50 रुपये लूटे जाते हैं। ऐसा ना होना चाहिए, 5 रुपये होना चाहिए जी। जी जी, नहीं, ये 50 नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ये गलत बात है, हम सरकार से हाथ जोड़ते हैं कि गरीब आदमी मर जाएगा इसमें। आप कोई और नियम लगाइए, उसमें हम सहमत हैं, लेकिन ये नियम खराब है। यह जो है ना, मतलब यह एक सोची समझी रणनीति है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। सिर्फ नुकसान है और कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पहले जो 5 रुपये 10 रुपये का टिकट था, अभी 50 रुपये का टिकट लेना पड़ रहा है। कमाई है नहीं, एक पैसे की कमाई नहीं किसी को भी, तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? कुछ फ़ायदा होने वाला है? सरकार कहती है भीड़ कम करने के लिए ऐसा किया गया। भीड़ कम करने के लिए सिर्फ टिकट ये बढ़ा देने से भीड़ कम हो जाएगा? उधर देखिए, मार्केट में जाइए, कोई भी दुकान पे कम से कम 50 आदमी का लाइन लगा रहता है। हर जगह जाइए तो भीड़ लगा हुआ है, सिर्फ यहीं पे है। कलकत्ता में इतना बड़ा इलेक्शन हो रहा है, खुद रैली कर रहा है, बीजेपी भी कर रहा है, TMC कर रहा है, सारा रैली कर रहा है, उसमें भीड़ इकट्ठा नहीं हो रहा है, उसमें कोरोना नहीं फैल रहा है? सिर्फ यहीं पर कोरोना फैलेगा टिकट लेने के टाइम में? भीड़ तो खैर कम है ही है, लेकिन ये रेट ज़्यादा हो गया। हाँ, इससे क्या मैंने कहने का मतलब, मान के दिए हम लोग हुए गरीब आदमी, समझे। अब कहीं जाना हुआ चाहे कहीं आना हुआ, तो फिर आदमी कमाएगा तभी ना पैसा होगा, बिना कमाए तो पैसा होगा नहीं। ज़्यादा पैसा होगा तब ना 50 रुपये दिया जाएगा। अब 10 रुपये था तो 10 रुपये की जगह 15 रुपये होता तो सही रहता। तो आपने सभी लोगों की बातें सुनी, सभी रेलवे के इस फैसले से काफ़ी परेशान है कि आम आदमी 10 रुपए का 50 रुपए कहां से देगा, केवल जंक्शन पर या फिर स्टेशन के अंदर आने के बाद। आपको बता दें कि सोनपुर रेल मंडल के मुजफ्फरपुर के अलावे हाजीपुर, बरौनी, खगड़िया, सोनपुर, बेगूसराय, मानसी और नौगछिया जंक्शन पर भी स्टेशन के भीतर जो है वो प्लेटफॉर्म टिकट का रेट बढ़ा दिया गया है। पहले ये केवल 10 रुपए हुआ करता था, लेकिन इसमें 40 रुपए की वृद्धि
कर दी गई है जो अब 50 रुपये हो गया है, जिसके वजह से यात्रियों को तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन उनके साथ जो लोग उन्हें छोड़ने आ रहे हैं, जिन्हें यात्रा करना भी नहीं है, केवल अपने परिजनों को छोड़ देना है या फिर किसी काम से स्टेशन जा रहे हैं, तो उन्हें अच्छी खासी रकम अदा करनी पड़ रही है केवल स्टेशन प्रेमिसेस के भीतर जाने के लिए। देखने वाली बात ये होगी कि क्या कोविड काल के बाद इन दामों को घटाया जाता है या फिर आगे भी प्लेटफॉर्म टिकट के रेट यही रहने वाले हैं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।